अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर चैनल अमेजिंग टेक गाइस। व्यूअर्स, आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं विंडोज 10 पे, या आपने जो भी आप कंप्यूटर यूज करें, डेस्कटॉप यूज करें या आप लैपटॉप यूज करें, तो कैसे आप उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। वैसे यूजली देखते हैं हम कि हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, हम उसके थ्रू अपनी जो स्क्रीन होती हैं लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर के बगैर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। तो इसमें सबसे पहले आपको देखें सेटिंग्स ओपन करनी है। जो भी आपके लैपटॉप में या पीसी में सेटिंग्स ऑप्शन है, आपको वहां से सेटिंग्स ओपन करनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखें आपको गेमिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा एक, आपने इस गेमिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें सबसे पहले ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है रिकॉर्ड गेम क्लिप्स स्क्रीनशॉट्स एंड ब्रॉडकास्टिंग यूजिंग गेम बार। तो आपने इसको ऑप्शन को ऑन कर देना, अगर ये ऑफ है तो इसको आपने ऑन लाजमी करना, तभी आपकी रिकॉर्डिंग हो सकेगी। उसके बाद देखें दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास कैप्चर्स का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। तो देखें जब आप कैप्चर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ओपन फोल्डर का ऑप्शन है। यहाँ पे मतलब जो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे वो कहाँ पे सेव होगी, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर इसकी लेंथ का है कि आप कितनी अपनी वीडियो की लेंथ कितने रखना चाह रहे हैं, यहाँ से उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 30 मिनट्स कर सकते हैं, 1 आवर कर सकते हैं, 2 आवर्स, 4 आवर्स, तो इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं जितनी आप रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो व्हेन आई रिकॉर्ड अ गेम, जब भी आप गेम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको मतलब ऑन ही रहने देंगे ताकि आपकी ऑडियो भी साथ रिकॉर्ड हो। और उसके बाद माइक का ऑप्शन है कि अगर आप माइक यूज कर रहे हैं तो इसको भी आपने चेक करना है, ताकि यहाँ से आप अगर माइक अगर आपने लगाया हुआ है तो फिर माइक की रिकॉर्डिंग तभी हो सकेगी अगर आपने इसको यहाँ से चेक किया हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं इसको आप इजिली। तो देखिए अभी यही हमारे पास इसमें ऑप्शंस थे। इसका जो शॉर्टकट है वो हमारे पास विंडोज जी है। जैसे आप मतलब आप अपना सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, जैसे आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो आप बस आपको विंडोज प्लस जी ओपन कर क्लिक करना है, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखें अगर मैं विंडोज प्लस जी इसमें क्लिक करता हूँ तो देखें जैसे ही हमारे पास ऑप्शन आया इस पे, अगर देखें अगर मैं यहाँ से हमारे पास कुछ ऑप्शन है, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ, ये तो अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, माइक का ऑप्शन है कि आप इसको माइक को ऑफ कर सकते हैं, कैमरे का ऑप्शन है कि आप इसको स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं इसलिए। तो जैसे आप विंडोज प्लस जी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा और यहीं से आपके पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल अमेजिंग टेक गाइस को जरूर सब्सक्राइब करें।